होडल उपमंडल में बीती देर रात हुई तेज आंधी व ओलावृष्टि के साथ हुई भारी बारिश से किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। होडल उपमंडल के किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार की देर रात तेज आंधी व ओलावृष्टि के साथ भारी बरसात हुई थी, जिसमें किसानों को फसलों को भारी नुकसान हुआ है। होडल उपमंडल के गांव गड़ी व रबिया पट्टी गांव पेगलतू आदि गांव के किसानों ने बताया कि तेज बारिश के कारण हमारी गेहूं और सरसों की फसल लगभग 80% नष्ट हो चुकी है। किसानों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा गिरदावरी कराकर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। फसल में नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? ये जी बारिश के साथ आंधी आई है, आंधी में कम से कम बिना तो ओली भी आई, कम से कम बारिश की वजह से ये खेत लोटे पर हैं। इनमें नुकसान कम से कम 75-80% सरसों कटी हुई रखी है, इनमें ये भी जल गई सब। तो आप कितना नुकसान हो गया करीब? कम से कम भी नहीं है 80%। तो आप प्रशासन से सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? इसके मुआवजा दिलाई जाए जी सरकार से। राविया फट्टी में बहुत ज़्यादा जमीन खेत है और जो रात बारिश हुई इससे आपको कितना नुकसान हुआ है? इससे भारी नुकसान है, जो रात को देर रात बारिश हुई थी ओला आए थे, इससे ज़्यादा नुकसान है जमींदार को। इस गेहूं को देखो कितना ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमको सरकार से अपील है कि हमको मुआवजा दिलाया जाए, हमारे जमींदारों को मुआवजा दिलाया जाए।